हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है मेरा नाम है बजा। तो यार विश फैलना शुरू हो चुका और सारों की तबीयत भी खराब हो गई उस वजह से, और मछलियां भी मरना शुरू हो गई। हाँ। जाके देखते होते क्या, क्योंकि भगवान शिव जी को अब करना ही पड़ेगा, विश को आप पीना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतं हृदि अरविन्दे सारा हो गया विश की वजह से। जारी बात है, सारा विश जो गिर रही। अशोक सुंदरी जी, हमें अगर कुछ भी चाहिए तो हम आपसे मांगते हैं। हम आपके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो क्या वो प्रार्थना हम आपसे ही करें? वो इस संसार के भाई सारा कुछ है, करनी तो पड़ेगी। आपसे बड़ा और कौन है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पिताजी के नाश जल्दी लौट आए और उनको मुझसे कोई हानि ना पहुंचे। यानी कि अपने क्यों जाहिर बात है, उनका पिता ही बड़ा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ना नए खिलौने, ना वस्त्र और ना नए आभूषण, पर आपके लाश पर वो जल्दी लौट आई है। एक रख के लाश आ जाएगी। नंदी जी भी आ गए। नंदी जी से भी देखा नहीं जा रहा है यार। सारी बात है, बस सारे गण प्रेत बेचारे उदास हैं। आप इन असुरों और देवताओं के लिए वो करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सही बात है। और आज ये जो भी काम हुए देवता और असुरों, किंतु मुझे भय केवल इतना ही है, इसका मूल्य ना ही असुर समझते हैं और ना ही देवता। तो ये जो करने जा रहे हैं मुझे नर जी की बात सही है। सूचना पहुंची कि आप पिताजी के लिए अत्यंत चिंतित हैं। महादेव हमारे आराध्य हैं,
बहुत अलग। और हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई भी कष्ट पहुंचे, इसलिए पिताजी ये कष्ट निवारण यज्ञ कर रहे हैं ताकि संकट की घड़ी टल जाए। नहीं देवी, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं पहुंच सकता। वो देवों के देव, वो तो स्वयं ही संकट हर है, कल्याण कर है, कालोपरी है, महाकाल है वो। और महाकाल को क्षति पहुंचाने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, किसी भी कालकूट में नहीं। किंतु ये तो निश्चित है कि हमारे इस हवन के माध्यम से उन तक हमारी भक्ति और हमारा प्रेम अवश्य पहुंचेगा। ये तो है। आइए, मैं भी आपके साथ इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहता। ये भक्ति होती है भाई। अवश्य। इतना विश्व यार, मैं अभी यही सोच रहा था, ये सोचने के बाद ना ये देख रहा है सारा वो। हाँ ना, आज तुम सब ने मेरे साथ विष को ग्रहण किया है, अर्थात संसार के कल्याण में अपना अपना योगदान दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज से तुम्हारी पूजा मेरी पूजा होगी। वसुकी देवी शीश आ गया, समझ कितना बड़ा वरदान इनको दे दिया। वो याद असर ना करे। जिस प्रकार आप इस विष को धारण करें,
संसार में फैलने से रोक रहे हैं, उसी प्रकार हम शक्ति रूप में आपके कंठ में विराजमान रहकर इस विष को आपके कंठ से नीचे नहीं उतरने देंगे। ये जो चीज है गले में इसलिए हाथ रखा हुआ था कि भाई साहब वो नीचे ना जा और सके, फैले ना और वो वहीं पे खत्म हो जाए। हाँ यार, ये देना भाई माता जी को दे, ये भगवान विष्णु जी ने इनको तभी तो किया था, ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा आपने क्या करना है। और जैसे वो यहाँ तक पहुंचा विष, माता जी ने आके हाथ रखा और वो वहीं पे रुक गया। हाँ, और भाई साहब तू खुद देख, वो साथ सांप भी थे, उन्होंने भी ग्रहण किया यानी कि पिया है और इतना बड़ा उनको आशीर्वाद दिया कि अगर तुम्हारी कोई पूजा करेगा समझो वो मेरी पूजा कर रहा है। हाँ यार, ये देखना यार कितना, ये मैं कहता हूँ इनको बहुत बड़ा वरदान है यार। अगर ये वसुकी, जिस तरह वसुकी देव है ना, अगर ये उन्हीं में से हैं तो ये बहुत बड़ा है यार। वसुकी देव तो वैसे ही उनके बात है, और वो जो ये काम कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी नहीं कर यार सकता। और भाई साहब इंदिरा देव जी के आगे फटी की फटी, इंदिरा देव जी बाद में ये कहेंगे कि ये भगवान शिव जी ने हमारी वजह से किया। और ये नहीं पता बोलेगा अगर हम सांप वो ना करते यूं तो वो ये करेगा, क्योंकि इनको नहीं पता। नर जी की बात बिल्कुल ठीक है, ये जो सारा कांड हो रहा है ना, ये देवता और असुरों की वजह से हो रहा है, और भुगतना किनको पड़ रहा है, सारा भगवान शिव जी कर रहे हैं। इनको पूरे संसार को राजा बलि की वजह से, अब मुझे असुर थोड़े सही सही रास्ते पे लग रहे हैं। मतलब असुरों की वजह से तो हुआ है, राजा बलि तो बहुत अच्छे हैं, हम कहते हैं नहीं, मुझे क्यों लग रहा है अब असुर जरा सीधी लाइन पे जा रहे हैं राजा बलि की वजह से, अब हो सकता है जाए ना, हो सकता है क्योंकि और यार उधर से, लेकिन ये जो कांट हो गया तो वो तो हुआ है ना। देखो इसका क्या असर फैला, अगर ये चीजें ना होती तो इतना बुरा असर फैला है। अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो यार बाय।